नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ठंड में चोरी रोकने पर कहा है कि पिछले एक सप्ताह में 2 से 3 चोरियां क्षेत्र में हुई हैं, जिसको देखते हुए रात्रि गश्त व पिकेट को बढ़ाया जाएगा और 5 वर्ष पुराने चोरों का डाटाबेस बनाया जा रहा है। उसका सत्यापन किया जाएगा कि कौन सा चोर इस समय क्या कर रहा है। इसके साथ ही रात्रि 12 बजे के बाद जो भी कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसको थाने ले जाकर पूछताछ की जाएगी। संतोषजनक उत्तर मिलने पर ही छोड़ा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये विगत एक सप्ताह में जो 2-3 चोरी की घटनाएं हुई हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए गश्त और पिकेट जो रात्रि में निकलते हैं उनको थोड़ा सा सक्रिय और किया जाएगा। इसके अलावा पंचवर्षीय चोरों का एक डाटाबेस बनाया जा रहा है और उनका सत्यापन किया जाएगा ताकि डाटाबेस मौजूद हो सके। इसके अलावा रात्रि 12 बजे के बाद जो भी घूमता हुआ मिलेगा अनावश्यक रूप से उसको पकड़ कर थाने लाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और संतोषजनक होने पर ही उसको छोड़ा जाएगा, अन्यथा उसको संदिग्ध मानते हुए उस पर। कांग्रेसियों ने विपक्ष के 146 सांसदों के संसद से निलंबन पर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति से निलंबन वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि संसद के द्वारा विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पार्टियों द्वारा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद में कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि इस सरकार के द्वारा 146 सांसदों का निलंबन कराकर लोकतंत्र पर हमला किया गया है। सरकार ये कृत्य हमारे लोकतंत्र सिद्धांतों की हत्या और हमारी संसद के लोकतंत्र को कब्रिस्तान में बदलने का काम किया है। सरकार का इस तरह का कृत्य लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। इसलिए हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि सभी निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए। इस अवसर पर महेंद्रनाथ मिश्रा, विजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव दिलीप कुमार निषाद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो तानेशाह रवैया है, पहले हमारे 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, आज फिर बढ़ा के संख्या 6 और कर दी गई, जो आज 146 सांसद इसमें निलंबित कर दिया गया है। लोकतांत्रिक के मंदिर में सरकार द्वारा हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। हम इस निलंबित हुई है, हम निलंबन की वापसी की मांग करते हैं। सरकार का हम इस निलंबन के विरुद्ध कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। दिलीप कुमार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र के तत्वावधान में एक निजी लान में क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी के केंद्रीय कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया है कि हर क्षेत्र में एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उसी के तहत ये गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें लोग परिवहन निगम की समस्याओं व कर्मचारियों के समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन निगम की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए और डीजल के खपत को कैसे नियंत्रित किया जाए, जनता को सुविधा अधिक प्रदान कर सके, इस सभी बातों पर चर्चा की जा रही है। इस समय परिवहन निगम की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रूट का नेशनलाइजेशन है। यहाँ पर 60% से भी राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जबकि अन्य प्रदेशों में 100% है। इसलिए हमारी मांग है कि प्रदेश की 25% पक्की सड़कें नेशनलाइज होनी चाहिए, जो कि यात्री कर की दरें हैं उसमें बहुत अंतर है। इन सभी चीजों में सुधार की हम सरकार से मांग करते हैं। इस अवसर पर परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार राय, अजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने कहा, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की केंद्रीय कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया गत दिनों कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में एक गोष्ठी का आयोजन किया जाए। उसी के अंतर्गत आज गोरखपुर क्षेत्र में ये गोष्ठी आयोजित की गई है और इसके जो विचारणीय विषय हैं मुख्य रूप से, एक तो परिवहन निगम की समस्याओं पर चर्चा की जानी है, साथ ही साथ इसके कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा होनी है और परिवहन निगम की आमदनी को और कैसे बढ़ाया जाए, डीजल की खपत को और कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे डीजल औसत को सुधारा जाए और साथ ही साथ यात्री जनता को और कैसे अधिक सुविधा हम प्रदान कर सकें, इन सारे विषयों पर आज चर्चा होनी है। जहाँ तक परिवहन निगम की समस्याएँ हैं उसमें मुख्य रूप से इस वक्त आवश्यकता है रूट्स के नेशनलाइजेशन की। इस प्रदेश में 7% से भी कम राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जबकि देश के तमाम अन्य प्रदेशों में 100% तक नेशनलाइजेशन है। तो पहली बात तो यहाँ हमारी मांग है कि जितने एक्सप्रेसवेज, हाईवेज बन चुके हैं या बन रहे हैं
उनका नेशनलाइजेशन हो और प्रथम चरण में कम से कम 25% प्रदेश की पक्की सड़कें नेशनलाइज होनी चाहिए। साथ ही साथ यात्री कर की जो दरें हैं, जिसको एडिशनल टैक्स कहते हैं, जो सरकार को परिवहन निगम देता है, उनमें हमारे दर में और जो निजी क्षेत्र की बसें हैं उनके रेट्स में बहुत अंतर है। उनका 150 रुपया पर सीट पर मंथ है, हमारा नई गाड़ी का 600 रुपया पर सीट पर मंथ है। तो ये डिफरेंस जो है ये ख़त्म होना चाहिए, जिससे कि हम अपने फेयर को भी नियंत्रित कर सकें और साथ ही साथ यात्री जनता को भी उसका लाभ मिल सके। तो ये मुख्य मामले हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं भी लेस देन 7%, उन पर अनऑथराइज फ्लाइंग बहुत है, डग्गा मार वाहनें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, अब तो इंटर स्टेटल सर्विसेज चल रही हैं, तो उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये तो निगम की समस्याएं हैं, इन पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ कर्मचारियों को आज की तारीख में राज्य कर्मचारियों से 18% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि मेहनत जो है, मैं समझता हूँ कि पुलिस विभाग के पश्चात सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसी क्षेत्र के कर्मचारी करते हैं किसी विभाग के, तो वो परिवहन निगम के हैं, लेकिन उनको 18% कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यहाँ तक कि 10% महंगाई भत्ता जो एम्पावर्ड कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, उसका भी शासनादेश नहीं जारी हो पा रहा है। मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही, जिन कर्मचारियों ने पिछले दिनों इतिहास बनाया परिवहन निगम ने कि 42 लाख प्रवासी मजदूरों को कोविड काल में उनके घरों तक पहुंचाया, 10 लाख छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम और उसके कर्मचारियों को संकट का साथी कहा, वहां पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जो कोविड काल में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके भी आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। 2001 तक के संविदा चालकों परिचालकों का नियमितीकरण नहीं हो रहा, जबकि 24 फरवरी 2016 को सरकार शासनादेश कर चुकी है, 8 साल पूरे होने को हैं, लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा और ना जो शेष बचते हैं उनके नियमितीकरण की कोई चरणबद्ध योजना ये बना रहे हैं। तो ये कर्मचारियों की समस्याएं, आउटसोर्स कर्मचारियों का बहुत मिनिमम उनको पारिश्रमिक दिया जा रहा है, उनसे लिए जा रहे काम के परिपेक्ष और साथ ही साथ बाजार महंगाई के आलोक में, तो ये सारी कर्मचारियों की समस्याएं हैं, इनका निराकरण होना चाहिए। इन सारे विषयों पर आज चर्चा होगी और एक प्रस्ताव पारित करके माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सारे सरकार के अन्य मंत्रीगणों को, संबंधित विभागों के, साथ ही साथ टॉप ब्यूरोक्रेट्स को जो उच्च अधिकारी हैं शासन के और निगम के, उनको भेजा जाएगा और उनसे ये मांग की जाएगी कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हम कर्मचारियों को ये संकल्प भी आज दिलाएंगे कि वो डीजल औसत में सुधार करें और कोई भी यात्री वो उनसे सड़क पर न छूटने पाए, वो अधिक से अधिक आमदनी लाने का प्रयास करें। इन सारी बात सीडीओ संजय कुमार मीणा ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना पर कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जनपद को 590 आवास देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसका पहला इंस्टॉलमेंट जो लाभार्थी हैं उनके खाते में भेजा जा चुका है और दूसरा किश्त जब लाभार्थी अपना छत बनवा लेता है तो उसको दूसरा किश्त उसके खाते में भेज दिया जाएगा। अभी तक 553 लोगों को दूसरा किश्त भेजा जा चुका है और तीसरा किश्त 239 लाभार्थियों को दिया जा चुका है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 416 लोगों को पहला किश्त भेजा जा चुका है और 291 लाभार्थियों को दूसरा किश्त दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा हर प्रदेश को आवास बनाने का टारगेट दिया जाता है, उसके बाद जिलों को टारगेट मिलता है जिसको हम पूरा करवा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, देखिए इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जनपद गोरखपुर को टोटल 590 का टारगेट मिला, जिसमें से हम लोग 587 लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं और जो 40,000 है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 70,000 बचे हैं, जब संबंधित लाभार्थी अपना आवास मिनिस्टर लेवल तक ले आता है तो उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। उसके तहत अभी तक 553 लोगों को सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट दी जा चुकी है और जब व्यक्ति का आवाज थर्ड अपना छत लेवल तक लग जाता है, वो प्लास्टर करा लेता है, उसके बाद उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट दी जाती है, जो जनपद में 239 लाभार्थियों को दी जा चुकी है और कुल अभी तक 590 हमारे आवाज कम्प्लीट हुए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद में 416 लोगों को हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं और उसमें से 391 लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट दिए।
जब भारत सरकार से जो टारगेट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो स्टेट को आता है, स्टेट उसी को जनपद डिस्ट्रीब्यूट करता है सिकरीगंज थाना क्षेत्र के उधना पार के पास शुक्रवार की सुबह डंपर को ओवरटेक करने के चक्कर में स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में सगुआ गांव निवासी सातवीं की 14 वर्षीय छात्रा प्रतिभा और मठिया बारी गांव निवासी 8 वर्षीय साक्षी पांडे की मौत हो गई। वहीं 8 बच्चे घायल हो गए, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर हादसे के बाद चीख पुकार मच गई थी। उधर घटना के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। आपको बता दें कि उधना पार में स्थित US सेंट्रल एकेडमी स्कूल की बस अलग अलग गाँव के बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। स्कूल से महज 300 मीटर पहले डंपर को ओवरटेक करने के चक्कर में स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में साक्षी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रतिभा को जिला अस्पताल भेजा गया, रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। इसके अलावा घटना में घायल छात्रों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे और SP साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, देखिए प्रातः लगभग 9 बजे के आसपास सिकरीगंज में एक प्राइवेट स्कूल है, उसकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें करीब जो है 13-14 बच्चे घायल हुए थे। वहाँ की सूचना जो है वहाँ अधीक्षक को दी गई, स्थानीय लोगों ने दी, उसके पश्चात वहाँ पर एम्बुलेंस भेज करके बच्चों को लाया गया और जो बच्चे सामान्य थे उनका उपचार किया गया। उसमें कुछ बच्चे गंभीर थे जिनको जिला अस्पताल में भेजा गया। जिला अस्पताल में रास्ते में आते समय 2 बच्चों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। जो घायल थे उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थितियां सामान्य हैं, वो बच्चे ठीक हैं, उनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है और अभी सभी बच्चे सामान्य हैं। कितने घायल हैं? वहाँ पर 8 बच्चे हैं। जिसे 2 की कैजुअलिटी कंफर्म हो गई है? 2 की कंफर्म। कितनी उम्र होगी जो दोनों? मेरे ख्याल से 10 से लेकर 14 साल के बीच में। अकेडमी नामक स्कूल है यहाँ सिकरीगंज में और यहाँ पे आज सुबह लगभग 9 से 9:30 के बीच में एक जिसमें स्कूली बच्चे आ रहे थे, बस संख्या 17, वो स्कूल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो बराबर में सड़क के किनारे खाई है उसमें पलट जाने से हादसा हुआ है। और इस हादसे में जो भी बच्चे घायल हुए थे, इंजर्ड थे, उनको तत्काल पुलिस प्रशासन और पब्लिक के सहयोग से तत्काल निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया गया और इसमें जो मामूली चोट लगी थी, जिनको हल्की फुल्की चोटें थी, उनको तत्काल जो उनके गार्जियन थे उनके सुपुर्द कर दिया गया था प्राथमिक उपचार के बाद में। और इसमें जो ज़्यादा इंजर्ड बच्चियां थी, 2 प्रतिभा और साक्षी नाम, उनकी मृत्यु हो चुकी है साथ से। बाकी कुछ बच्चे अभी इलाजरत हैं जिनकी स्थिति अभी ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। गोरखपुर में फॉर्चूनर कार चोरी की एक वारदात ने कार मालिक के साथ पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरी की घटना को लेडी गैंग द्वारा अंजाम देने का शक है। CCTV फुटेज में ट्रैक सूट, हुड और मास्क पहने एक युवती आते हुए दिखाई दे रही है। काला सफेद और ऑरेंज रंग के ट्रैक सूट पहने लड़की के दाहिने हाथ में एक बैग भी है। आशंका जताई जा रही है कि उसमें लैपटॉप भी है। थीव गर्ल ने पहले कार का स्टीयरिंग की ओर का शीशा काट दिया और उसके बाद अंदर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। इस दौरान कार की लाइट 3 बार जली लेकिन एक कार का सेंसर और आवाज नहीं आई। रात के 12:47 पैदल आई थीव गर्ल ने 8वें मिनट में सॉफ्टवेयर हैक कर फॉर्च्यूनर के सॉफ्टवेयर को अनलॉक करने में सफलता पा ली और कार ले उड़ी। आपको बता दें कि गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के विवेकपुरम में 17 दिसंबर की रात ये वारदात हुई। लखनऊ के जानकीपुरम के रहने वाले बिजनेसमैन हिमांशु सिंह की विवेकपुरम में ससुराल है। उनके ससुराल डॉक्टर डी के राय रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के देवरिया बाईपास रोड पर न्यू शिवाय हॉस्पिटल चलाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके दामाद हिमांशु सिंह फॉर्च्यूनर से आए थे। 17 दिसंबर की रात में विवेकपुरम स्थित उनके आवास के बाहर से उनके दामाद हिमांशु सिंह की फॉर्च्यूनर चोरी हो गई। 18 दिसंबर की सुबह उन लोगों को फॉर्च्यूनर चोरी होने की जानकारी हुई तो उन्होंने रामगढ़ताल थाने की पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी अपने अपने घरों के CCTV कैमरे की फुटेज को देखा तो उनके होश उड़ गए। CCTV फुटेज में ट्रैक सूट पहनी एक लड़की कार के स्टीयरिंग की तरफ का शीशा काटकर दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठी। CCTV फुटेज में आते हुए युवती के हाथ में लैपटॉप बैग भी दिख रहा है। घटना आधी रात को 12 बजे के बाद की है। घर में सभी लोग सो रहे थे और 12
बजकर 47 पर काले और चमकीले रंग के ट्रैक सूट और हुडी पहने युवती पैदल पहुंचे। छरहरे बदन वाली युवती ने दाहिने हाथ में बैग थाम रखा था जिसमें लैपटॉप होने की संभावना जताई जा रही है। उसने फॉर्चुनर के पास पहुंचकर कुछ देर तक वेट किया। इसके बाद चालक सीट की तरफ लगे शीशे को काटकर दरवाजा खोल दिया और अंदर बैठ गई। इस दौरान कार की लाइट 3 बार जली लेकिन अलार्म नहीं बजा। चौथी बार में उसने कार को स्टार्ट किया और 8वें मिनट के अंदर फॉर्चुनर लेकर उड़ गई। आशंका जताई जा रही है कि हरियाणा की रहने वाली माँ बेटी जो बिहार में रहकर चोरी करने का गैंग चलाती हैं, उसी गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की टीम भी सुराग मिलने पर बिहार भेजी गई है। इस घटना के संबंध में गोरखपुर के SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जनपद गोरखपुर 2 थाना क्षेत्रों में कुछ 4 पहिया वाहन चोरी हुए हैं। CCTV फुटेज कलेक्ट किए गए हैं। सर्विलांस के माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि इन घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह की चोरियों को रात के समय कर रहे हैं। रात के समय गश्त बढ़ाई गई है। प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि बिहार की ओर से ये लोग आए हैं और गाड़ियों का ले जाना प्रतीत हो रहा है। घटना का खुलासा नहीं होने तक किसने गाड़ी चुराई है इस तरह का कमेंट करना उचित नहीं है। संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर DK राय व SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, गोरखपुर के 2 थानों में कुछ 4-व्हीलर व्हीकल्स हैं जो चोरी हुए हैं। CCTV फुटेज कलेक्ट किए गए हैं और विभिन्न सर्विलांस के माध्यम से भी पता लगाया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की चोरियां रात के समय कर रहे हैं। रात्रि की गश्त भी इस बाबत बढ़ाई गई है और जितने भी CCTV फुटेज हैं उनके माध्यम से प्रथम दृष्टया पता चला है कि बिहार की तरफ से ये लोग आए हैं और गाड़ियों का भी उधर जाना प्रतीत हो रहा है। शीघ्र ही इस घटना है, इन सब घटनाओं का खुलासा किया जाए। सर, कोई लड़की और बताया जा रहा है कि माँ बेटी है गैंग में और CCTV फुटेज में भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई लड़की आ रही है। अभी तक इस तरीके को कोई कमेंट करना, जब तक के लिए सही तरीके से खुलासा नहीं हो पाता, इस तरीके कमेंट करना उचित। ये मेरे दामाद की गाड़ी थी, वो 15 तारीख को मेरे यहाँ लखनऊ से आए थे। 15 को रुके, 16 को गोलघर मार्केट घूम के आए। 9:30 बजे गाड़ी उन्होंने खड़ी किया और 12 बजे के लगभग हम लोग खाना खा के सोने गए। फिर वो 12:58 पे आती है लड़की, कैमरे में दिख रहा है पूरा, शीशे को दाहिने साइड से आगे तोड़ती है। तोड़ने के बाद गाड़ी में बैठती है, 8 मिनट तक गाड़ी में बैठी रही। 3 बार गाड़ी स्टार्ट की, स्टार्ट होने के बाद बंद हो जा रही थी, सेंसर आवाज नहीं दे रहा था, लेकिन चारों डीप लाइटें जल रही थी। फिर 4थी बार स्टार्ट की, उसके बाद से बैक करके लेके चली आई। गाड़ी रामगढ़ताल थाने को 1:09 पे क्रॉस की है, शहर के तरफ बढ़ी है, वहां तक देखा गया है। फिर अमर उजाले तिराहे पर कोई कैमरा नहीं था, कोई लुक नहीं मिला। फिर रुस्तमपुर चौराहे पर चेक किया गया, वहां कैमरा ठीक नहीं था, वहां क्लियर नहीं हुआ। फिर 1:21:22 पर चेक किया गया पैडलेगंज, कोई कैमरा नहीं था। एक बेकरी की दुकान थी, उसमें भी कोई क्लियर नहीं हुआ कि गाड़ी वही है कि कौन गाड़ी है। एक गाड़ी गुजरी है उधर से और वो गाड़ी फिर बैक हो गई है गोलंबर को होते हुए, उसके बाद कोई लुकआउट नहीं मिल पाया गाड़ी कहाँ है। अच्छा, आपकी फॉर्चुनर में सेंसर था और GPS या फिर कुछ पता चल पा रहा है किस लोकेशन में है? सेंसर था उसमें, सेंसर को उसने हाईजेक कर लिया था, आवाज बिल्कुल नहीं आई, GPS नहीं लगा था और पुलिस के द्वारा ये सूचना मिल रही है मुझे कि घबराइए नहीं, गाड़ी मिल जाएगी, 10 से 15 दिन का वेट करिए, बिहार की तरफ गाड़ी गई है, इतना लुक मिल रहा है। अच्छा, आप अधिकारियों से मिले होंगे, आपने जानकारी दी, क्या कुछ सहयोग मिला? मतलब अधिकारीगण देखने से लग रहा है कि हमारे सहयोग में जुटे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है। बाकी अब आगे जो है क्या कार्रवाई होती है, गाड़ी बरामद हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ये कहना। अच्छा, कुछ क्लू मिल पा रहा है कि या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है कौन लोग हैं, कैसे आए? कुछ क्लू ये मिला है, गलत है या सही है कि कोई इधर राजस्थान की गैंग है जो बिहार में रहती है और UP की गाड़ियां चोरी कर रही है और ये गाड़ियां आसाम वगैरह तक जा रही है। ये कोई लड़की आप बता रहे हैं तो क्या फुटेज में लड़की ही दिख रही है? वह लड़की ही, जितना CCTV फुटेज चेक हुआ सब में उसकी चाल चलन चाल ढाल सारी लड़की का ही है। क्या पहने हुए सब दिख रही है? पहने उसमें ट्रैक सूट पहनी है, हुडी वाला कैप पहनी है, चेहरे पे मास्क लगाई है और उसके ट्रैक सूट में चमकने वाला कुछ स्टिकर लगा हुआ है जूते के पास और जेब के पास ऊपर। अच्छा,
बाएं हाथ में मोबाइल है, दाहिने हाथ में एक बैग है, झोला टाइप जिसमें लैपटॉप है। क्या लग रहा, बहुत हाईटेक लग रही है देखने में ये सर? फॉर्चूनर गाड़ी कंपनी कहती है कि हमारी गारंटी है, 1 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन सारी उसकी गारंटी और सिक्योरिटी को इसने ध्वस्त कर दिया। हाईटेक नहीं होते तो ऐसा संभव नहीं है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, गाड़ी आपकी मिल जाएगी? अभी तक तो मिली नहीं है किसी की, हमें उम्मीद है। गोरखपुर शहर के गोलघर को ट्रैफिक मुक्त रखने के लिए एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद द्वारा कचहरी चौराहे से गणेश चौराहा होते हुए काली मंदिर तक ऑटो व ई रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने बताया कि गोरखपुर जनपद वासियों को सुगम यातायात व्यवस्था सुलभ कराने के लिए गोलघर में ऑटो व ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया। उन्होंने बताया कि जो भी ऑटो चालक या ई रिक्शा चालक नियमों की अनदेखी करेगा उसके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, ये देखिए ऑटो और ई रिक्शा को गोलघर की तरफ जो है के प्रतिबंधित किया गया है। काली मंदिर से गोलघर की तरफ नहीं आएंगे, कचहरी से गोलघर की तरफ नहीं जाएंगे, एस्प्रा तिराहे से गोलघर की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर चूँकि काफ़ी ट्रैफिक का दबाव रहता था, आप लोगों को आवागमन में समस्या होती थी, शॉपिंग करने में समस्या होती थी, चूँकि ये व्यस्ततम इलाका है गोलघर इलाका, आप समझ रहे हैं कि ये जो है यहाँ काफ़ी गैदरिंग होती है, तो इसीलिए व्यवस्था की गई है कि ऑटो और ई रिक्शा गोलघर एरिया में प्रतिबंधित किए गए हैं, कचहरी की तरफ से, काली मंदिर की तरफ से और जो है एस्प्रा की तरफ से। बाकी विजय चौक की तरफ से निकल के वो गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सांसद कमलेश पासवान के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल करके आरएफसी वर्तमान में सीईओ गीडा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी शंभुनाथ गुप्ता निवासी देवरिया जिला को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल पर संभागीय खाद्य लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत होकर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके खिलाफ संभागीय जो खाद्य अधिकारी हैं आरएफसी हैं उनके यहाँ पे शिकायत एवं आरएफसी की शिकायत मंडलायुक्त के यहाँ पे एक यहाँ के माननीय सांसद हैं उनका लेटर पेड, फर्जी लेटर पेड यूज़ करके उसमें फर्जी ईमेल आईडी बना के इन सब जगहों पर भेजा गया। उस अभियुक्त शंभुनाथ गुप्ता जो कि देवरिया जनपद का रहने वाला है और आरएफसी का ठेकेदार भी रहा है पूर्व में, उसके द्वारा ये शिकायतें की गई। इससे अधिकारियों की छवि भी धूमिल करने का प्रयास किया गया, उसके साथ साथ फर्जीवाड़ा करके माननीय सांसद का लेटर पेड भी फर्जी तरीके से यूज किया गया है। इस अभियुक्त को जनपद देवरिया से गिरफ्तार करके लाया गया और इसको जेल भेजा जा रहा है। कहाँ फर्जीवाड़ा किया था ये? इसने मंडलायुक्त महोदय के यहाँ भी एक लेटर पेड भिजवाया, उसके साथ साथ संभागीय खाद्य अधिकारी हैं उनके यहाँ भी इसने लेटर भेजे हैं, जिस तरह कुल 4-5 लेटर हैं वो भेजे गए। उसकी पूछताछ की जा रही है, विवेचना में सक्षम संकलन कर इन सब तथ्यों की है जानकारी।